happy to see you, Lubna ji, because you are such a brilliant actress, I must say. So सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कितना कितना एक्साइटमेंट है क्योंकि कल आने वाली है सीजन 4. आई कांट वेट. मतलब हम लोग तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि यू नो दिस हैज टू हिट द स्क्रीन्स, इट हैज टू रीच द ऑडियंस, बिकॉज इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें, इतनी सारी नई चीजें हम लोग लेकर आए हैं, एंड हम वेट कर रहे हैं कि ये ऑडियंस तक कैसे पहुंचेगी और कैसे रिएक्ट करेंगे सब लोग. जैसे हमें हमेशा इतना प्यार दिया दिया है हमारी ऑडियंस ने, इस बार भी मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ कि कैसे कैसे रिएक्ट करने वाले हैं लोग, एंड आई एम श्योर दे गोइंग टू लव इट. तो सीजन 3 तक तो इतना लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तो एक एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है, जो कि बट ऑब्वियस है. तो आपको लग रहा है कि उस तक ऑफ कोर्स पहुंचेगा, वो भी है, बट आपके मन में क्या है कि मतलब कितना मेहनत करनी पड़ी उस लेवल तक करने के लिए, या फिर बहुत इजीली हो गया सब कुछ बिकॉज ऑलरेडी 3 सीजन हम कर चुके थे. नहीं, 3 सीजन करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, कंप्लेसेंसी कम हो जाती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि हमें वो सारी, अब हमें आगे बढ़ना था. आपने हमेशा देखा है कि सीजन 1 से जहाँ से शुरू हुए, सीजन 2 और आगे बढ़ा, शादी पर बच्ची की शादी, सीजन 3 दादी की डेथ, और अब सीजन 4 उसके आगे. ये एक जैसे लगता है जर्नी है कि यू नो एक यू नो शुरू हुई है और अब आगे बढ़ रही है. जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है उसी तरह से एक फैमिली के मिस्टर मिसेस शर्मा की जिंदगी आगे बढ़ रही है. अब इस जिंदगी में आगे और क्या क्या हो रहा है, जैसे अब शादी हो गई है, बेटा काम पे लग गया है, दोनों पति पत्नी अब अकेले हो गए हैं, और जहाँ पे हम जो हम हमने जिन जिन टॉपिक्स के साथ में डील किया है, हम चाहते हैं कि ये सब चीजें, ये वो सारी बातें जो हम नॉर्मली एक आम फैमिली में, एक मिडिल क्लास फैमिली में नहीं करते हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, जैसे कि औरत का अपना पढ़ना है, और यू नो घर की माँ की पढ़ाई कंप्लीट करना है, जैसे कि बच्चे को सर्विस नहीं करनी है, उसको शेफ बनना है, जैसे कि घर में बंटवारा है, यू सी, जैसे कि एक एक किसी की लॉस, यू नो एक पर्सनल लॉस जो होती है, जैसे दादी की मौत के बाद में, जैसे जो घर वाले किस तरह से फील करते हैं, और बाहर वाले यू नो किस तरह से उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. ये छोटी छोटी बातें होती है जो हम कभी भी महसूस करते हैं, देखते हैं अपनी अपनी फैमिलीज में, लेकिन उन्हें एड्रेस नहीं करते हैं. तो ये वो अटेम्प्ट है इस बार. तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात भी है कि हम आम आदमी के जरिए आम आदमी की बातें आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. बिल्कुल. और 2 तरह की फिल्म बनती है, एक होती है जैसे अभी आ रही है आजकल जवान, पठान, टाइगर, इस तरीके की. एक होती है जो बिल्कुल फैमिली ड्रामा होती है, जिसमें बहुत सारी देखी है OTT पे भी और थिएटर्स में भी. तो आप बताइए, इन 2 फिल्मों को आप कैसे अलग अलग देखती हैं, और इनकी कितनी वैल्यूज हैं ऑडियंस के लिए? आप एज एन एक्टर क्या सोचती है इस लेवल की फिल्म के बारे में? देखिए, ये दुनिया इट्स अ ह्यूज वर्ल्ड, मतलब ये हर कोई यू नो यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है, हर किस्म की चीज बन सकती है, इसलिए कि ये है ही, दिस इंडस्ट्री इज फुल ऑफ ऑल दिस. ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पर आप अपनी बात हर तरीके से कह सकते हैं, यू सी, आप जिस पर बिलीव कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को देख सकते हैं. तो ऑडियंस हर जगह है, ऑडियंस आपको जवान में भी और पठान में भी मिलेगी, ऑडियंस आपको टीवी सीरियल्स में भी मिलेगी, और ऑडियंस आपको यू नो ओटीटी पर भी मिलेगी. ओटीटी पर भी चॉइसेस हैं आपके पास में, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ योर पर्सनल चॉइसेस. बेसिकली ना ऑडियंस की कमी है और ना ही कहानियों की कमी है. तो यस, एंड एवरीबडी कैन सर्वाइव, एवरीबडी कैन सर्वाइव. हमें ये कोई कहने का हक नहीं है कि ये अच्छा है या ये बुरा है, इसलिए कि वो भी यू नो वो भी उतनी इकोनॉमिकली कितने करोड़ के यू नो प्रोडक्ट्स बनते हैं, और ये भी इकोनॉमिकली वायबल है. तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज एन ऑडियंस चॉइस व्हाट दे वांट टू सी एंड वेयर दे वांट टू गो. और एक्टर्स के लिए ऑडियंस से बड़ा यू नो कोई नहीं है. ऑडियंस उनकी वो व्हाट एवर दे से हैज टू बी रिस्पेक्टेड, व्हाट एवर दे फील हैज टू बी रिस्पेक्टेड. और जब हम स्पेशली कोई फैमिली ड्रामा बनाते हैं, जैसे कि आप जिसकी इतनी फेमस हैं कि बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग है आपकी और बहुत ओरिजिनल रोल्स हैं आपके, तो इस तरीके के रोल करने के लिए क्योंकि हमें फैमिली से कनेक्ट होना पड़ता है, मतलब अगर आप खुद को वैसा प्रेजेंट करेंगे तभी एक पूरी फैमिली आपको अपने अंदर या अपनी
फैमिली में कहीं पाएगी, तो उस तरीके के रोल के लिए कुछ अलग एफर्ट लगाना पड़ता है लुबना जी, या फिर ये ऑटोमेटिकली हो जाता है अपने आप से? देखिए, हम एक्ट्रेस तो हैं, लेकिन मैं एक पत्नी भी हूँ, एक माँ भी हूँ, एक बहू भी हूँ, एक बेटी। तो मेरी मेरी जो और मेरी प्रायोरिटी अगर मेरी फैमिली रही है हमेशा से, तो ये ही मेरे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने मिसेस शर्मा में डाले हैं। और मिसेस शर्मा और आम आदमी फैमिली की जो खासियत है वो यही है कि अलग हट के कोई बात नहीं हो रही है, वही बात हो रही है जो रोज होती है, हर किसी घर में होती है। तो उस तरह से बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। हर एक्टर का फर्ज ये बनता है कि उसे जितनी सरलता से पेश करे उस कैरेक्टर को, और सरलता में बहुत मेहनत होती है ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन जितनी आसानी से उसको एनैक्ट करे उतनी ही इफेक्टिवली वो ऑडियंस तक पहुंच जाती है। तो एज एन एक्टर ये तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसे उतना उसको रिलेटेबल बना दें कि आपसे लोग प्यार करने बिल्कुल लगे। तो ये तो रहा है। और हालांकि चूंकि मिसेस शर्मा की बात कर रहे हैं हम, और मिसेस शर्मा बिल्कुल किसी भी तरह की हर किसी घर में ऐसी एक लेडी होती ही है, एक माँ, एक भाभी, एक पत्नी, और बहू। और हाँ, और उसके मूड्स, और माँ जो कोर होती है, एक क्रक्स होती है, एक फैमिली का एक एक सेंटर वो होती है। इतनी सरलता से चीजें लिखी भी गई, इतनी मजेदार कहानियां लिखी गई हैं इतनी आसानी से, तो उन्हें परफॉर्म करने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आई। मेरे लिए आई एम वेरी लकी के मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं कि ऐसे ऐसे मुझे रोज मिलते हैं कि मेरे लिए आसान हो जाती हैं चीजें। बिल्कुल। सो आई लव्ड एवरी बिट ऑफ इट, एवरी बिट ऑफ इट। और ये जो सीजन है वो पिछले सीजन के कंपैरेटिवली शायद ज्यादा एपिसोड्स भी हैं, इसमें थोड़ा सा लंबा है, तो क्या कुछ नया एड ऑन हुआ है? आप ऑडियंस को बताइए प्लीज। जी, जैसे मैंने कहा कि जिंदगी आगे बढ़ रही है और बहुत सारे जैसे सवाल हमने खड़े किए हैं इस बार, सिर्फ एक चूंकि चूंकि ये सवाल जो 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 टॉपिक्स हमने चूज करी हैं इस बार वो थोड़ी सी डिफिकल्ट इसलिए थी क्योंकि गंभीर है, और आम आदमी एक हल्का फुल्का हंसता खेलता एक वो है वेब सीरीज है, लेकिन उसमें इतने इम्पोर्टेंट सवाल और इतने गंभीर सवाल उठाना ये हमारे लिए चैलेंज है, और हम जानबूझ के चाहते थे, बिकॉज आई थिंक टीवीएफ जो हमारे अरुण कुमार जी हैं और उनकी जो सोच थी और उनका जो जो ये पूरा ये मकसद था वो यही था कि जैसे एक जिंदगी आगे बढ़ती है, जैसे लोग आगे बढ़ते हैं अपनी जिंदगी में, जैसे हम 20 साल पहले थे वैसे आज नहीं है, तो हम जिन नई चीजों से डील कर रहे हैं वो अगर हम इस फैमिली के जरिए से दिखा सकें या फोकस में ला सकें कुछ ऐसे पॉइंट्स हमारी जिंदगी के, तो वो हमारे लिए जीत होगी। तो इसलिए ये इस हिसाब से काफी डिफरेंट है, एंड ओके एंड आई एम श्योर कि आम आदमी के ही स्टाइल में हम लोगों ने चूंकि इसको बनाया है, और आज तक आम आदमी फैमिली को इतने आराम से और यंगस्टर्स ने उनके साथ में रिलेट किया है, तो इस बार भी वही होगा। तो रिश्ते कितने गहरे होते चले गए आप सब करेक्टर्स के, आप लोगों की जो दोस्ती थी, जो बॉन्डिंग थी, वो अब इस सीजन में कितनी गहरी हो चुकी है, रील ने नहीं रियल में? बहुत ज्यादा, वो तो पहले से ही हो गई थी इनफैक्ट, मतलब हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम अनस्टेंट हर चीज कर रहे होते हैं और हर एक दूसरे के जिंदगियों में होते हैं, तो वो तो कहीं नहीं गया, वो बॉन्डिंग ऑफ स्क्रीन ऐसी बनी कि वो ऑन स्क्रीन बड़े आराम से दिखाई दे जाती है, तो वो तो उसमें वी आर वेरी वेरी लकी के किसी के ऐसे ईगो इश्यूज नहीं थे या कुछ नहीं थे। इनफैक्ट ये जो हमारी जो सोनू है इस बार, जो एक नई सोनू आई है जो मेरी बेटी बनी है, वो इतना डरी हुई थी कि हाँ ये लोग क्या करेंगे, एंड उसको तो मतलब वो कहते थे इतने चिल्ड आउट लोग हो तुम लोग, मजा आता है। एक तो हमारे साथ, और आई एम श्योर काला सर और हम दोनों इस बात को वाउच करेंगे, एक बात के हम लोग चूंकि बहुत सारे यंग यंग बच्चे हैं हमारे साथ में, तो उनकी एनर्जी इतनी होती है
और इतनी मेच्योरिटी है उनके साथ में कि उनके साथ में जीना, उनके लेवल तक जाना वॉज अ टास्क। तो जहाँ वो लोग हमको इतना एक्साइट करते रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है परफॉर्म करने के लिए। तो बड़ा ही आसान बड़े आसानी से निकल गया। इनफैक्ट हम लोग वेट कर रहे थे, जैसे हम लोग कल मिले सारे इतने दिनों के बाद में, तो दीवाने ही हो गए। जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। और इनफैक्ट वही नहीं होता, जो मेरा बेटा बना है चंदन, उसका एक ही काम होता है, क्योंकि हम ये शूट दिल्ली में कर रहे होते हैं तो उसका एक ही काम होता है, आपने राम लड्डू खाया, आपने यहाँ का ये खाया, वहां की चाट खाई, आपने ये किया, क्योंकि वो दिल्ली का है और हम यहाँ से फ्लाई करते हैं, अरे आपने ये नहीं खाया, अरे आपने वहां शॉपिंग नहीं करी, तो यही चलता रहता है। तो आप मतलब हमारे लंच में कहीं हम भाग रहे हैं वो खाने के लिए, ये करने के लिए, तो यही हो रहा होता है। सो दिस इज हाउ लाइफ इज, एंड इट्स आई एम सो हैप्पी एंड सो लकी कि ये बॉन्ड जो है ये सिर्फ चूंकि ऑफ स्क्रीन इतना अच्छा बन गया है, तो ऑन स्क्रीन बहुत मजा आता है परफॉर्म करने में। जैसे लगता ही नहीं कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, लगता है कि हम लोग रोज ऐसे ही बैठ के ऐसी बातें करते हैं हम क्या लोग। बात है। और लुबना जी आगे क्या कर रही हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास? जी मैंने अभी ओपन किया है अपना एक नया थिएटर शो, उसका नाम है गुड़म्बा। गुड़म्बा ओके मतलब गुड़ और आम का यार जो यार बनाते यार हैं यार, सुन गुड़म्बा, के मुंह में पानी आ गया जी सोलो हूँ। परफॉर्मेंस है वो कर रही हूँ। और फिलहाल आजकल एक मेरा सीरियल ऑन एयर है, स्टार प्लस पे आ रहा है, उसका नाम है तेरी मेरी डोरिया, 7 बजे आता है, तो उसमें बिजी बहुत और अच्छा लग रहा है और बस आई एम हैप्पी। बिल्कुल, थैंक यू लुमना जी, थैंक यू फॉर योर टाइम, और इतने अच्छे अच्छे हमें करेक्टर्स देने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी फिल्म सीरीज ये सीरियल्स करने के लिए। थैंक यू फॉर दिस एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सीजन 4। आई एम श्योर कि धमाका होने वाला है, कभी दिवाली पे हुआ था, अब एक किसके आने से होगा। बिल्कुल बिल्कुल आना होना ही चाहिए। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि सारी ऑडियंस जितना हमें प्यार दे रही थी अभी इस बार कैसे रिएक्ट करेगी, हमें प्लीज सेंड अस योर रिएक्शंस बिल्कुल, एंड एंड थैंक्स टू वॉच ओटीटी हमारी की, फैमिली। या थैंक्स टू ओटीटी की, दैट इज सो इजी टू वॉच नाउ डेज, तो फटाफट बस देखने की तैयारी करेक्ट होने वाली है। तो थैंक यू सो मच। करेक्ट, थैंक यू सो मच। दिस इज वन सीरियल विच यू कैन सिट एंड वॉच विद योर फैमिली डे टू डे। 100% बिंज वॉच। या थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय, टेक केयर, बाय थैंक्स थैंक्स इंजॉय, थैंक्स बाय। इंजॉय, थैंक्स इंजॉय। ओके मैम, मैं बोल रही थी एक और या इंटरव्यू है, ये है न्यूज़ 18 के साथ, ठीक न्यूज है? 18 ऑडियो इंटरव्यू है, या ऑडियो इंटरव्यू रहेगा ये। मतलब दे आर गोइंग टू राइट इट फॉर पेपर्स, आई मीन दे आर गोइंग टू राइट इट। ऑनलाइन पब्लिश करेंगे शायद। हाँ तो मतलब दे आर गोइंग टू राइट ना। हाँ ओके ओके ठीक है हाँ ओके, ये ऑडियो इंटरव्यू रहेगा, तो आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। या।